होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक न्यूज़ आ रही है जो आज के न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में छपी है, जो डॉक्टरों की स्थायी बहाली को लेके है। ये बिहार की न्यूज़ है। बिहार में 6338 डॉक्टर्स की स्थायी नियुक्ति होगी और ये कोरोना के लिए स्पेशली ये बहाली आएगी। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितनी बहालियां आई हैं, जो 3270 जो बहाली थी उसको छोड़ के भी और कुछ बहाली आने वाली हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था और आप लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले की बहाली है, आपको पता नहीं है। कई लोगों ने तो बहुत सारी कमेंट किए थे ओ बाबा, लेकिन देखिए ये सारे कमेंट्स बेकार हैं, वो साबित हो गए। बहाली आ चुकी है और कुछ ही दिनों में आपको ये जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और उसकी भी डिटेल्स मैं ज़रूर बताऊंगी अपने चैनल में। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए ये देख लेते हैं कि क्या है इसमें स्पेशल। और जो स्पेशल की बात अगर की जाए तो वो कुछ इस तरीके से है कि कोरोना काल में संक्रमण को के बढ़ते मामले और राज्य में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 3338 डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति की जाएगी। नियमित नियुक्ति हमेशा याद रखिए, नियमित नियुक्ति, ओके। और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है ना कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सारा भेज दिया गया है कि भाई नियुक्ति करवानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी 6000 डॉक्टरों की बहाली के लिए, MBBS डॉक्टरों की बहाली के लिए आवेदन के लिए कहा गया था और करीबन 3000 भी डॉक्टर नहीं 3000 डॉक्टर ने भी वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया और करीबन 2000 कुछ डॉक्टर्स ही पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आखिर में गए। दरअसल लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा MBBS डॉक्टरों ने। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पता है हमारे बिहार को कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, MBBS डॉक्टर नहीं आते हैं सामने, तो क्या किया जाए ऐसे में, उनको प्राइवेट ही करना है अपना काम, जो भी हो जो भी कंडीशंस है। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का बात कहा है वो 24 मई तक आवेदन उसका लिया जाएगा, जो कि 4 मई से होगा, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधी MBBS डॉक्टर को ही आवेदन के लिए बुलाया जाएगा, ये आप याद रखिए। अब बात है कि उसमें 3706 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे नियुक्त। तो उसमें जो ये 3706 डॉक्टर हैं वो जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, जो भी स्पेशलिटी को लेके वो हैं। उसमें फिर कहा गया है कि 2632 जो डॉक्टर हैं उनको सामान्य नियमित डॉक्टर के जैसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जो फिजिशियन होंगे। लेकिन बात ये आ जाती है कि संविदा पे भी जिला में 1 साल के लिए डॉक्टरों की बहाली होगी। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के ने कहा है कि उनको स्पेशली ज़रूरी है ये डॉक्टर्स की बहाली करना, राइट। तो संविदा पे जो इन लोगों की बहाली होगी 1 साल के लिए, तो इन डॉक्टरों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी आवश्यकता के अनुसार। बहाली के निर्देश दिए गए हैं, तो जिस तरीके से आवश्यकता है उस हिसाब से हर जिला में एक एक डॉक्टर होंगे या 2 डॉक्टर, 10 डॉक्टर जितने भी हों वैसे डॉक्टर्स होंगे। देखिए यही डॉक्टर जो हैं जो जिला वाइज यही डॉक्टर ही मेन डॉक्टर होंगे, क्योंकि MBBS के डॉक्टर्स ज़्यादातर नहीं करना चाहते हैं सरकारी जॉब, क्योंकि उनका प्राइवेट काफ़ी अच्छा चलता है, जो भी कारण है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वही क्या हैं वो ये सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने डॉक्टरों की बहाली करने जा रहे हैं इनको इतने डॉक्टर्स MBBS के नहीं मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी होम्योपैथी को डालेंगे, ठीक है, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा सबको डालेंगे। तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ये ज़रूर होने जा रहा है और ये स्थायी होने जा रहा है। ये 1 साल के लिए इन्होंने कह दिया है। पहली बात तो कि सारे डॉक्टर्स बहाल हो जाएंगे, ये सबसे पहले जो काम करेंगे ना वो करेंगे सबसे पहले कि
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार होगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो यहाँ बहाली होगी 1 साल के लिए, उनको ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। उनको सिंपली आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट जितने हैं वो पूरे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके जाएंगे उसमें क्या करना है आपको कि सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख के रख देना है, अपने फोटो कॉपीज आप भी से जो भी आपका डिग्री का फोटो कॉपी ये सब रख लीजिए, आपका जो फोटो है राइट, जो भी आपका आपका फोटो है वो आप कलरफुल फोटो वो आप रख लीजिए उसको अच्छे से, और कम से कम तो 5-6 रखिए, वो रखिए। फिर क्योंकि ये 1 साल के लिए बहाली है तो ये आपको वैसे इस तरीके से नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू के पूरा प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ पे, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो जिस तरीके से लेगी वैसा ही नहीं होगा। ये सिंपली आपको क्या करना है, आपका आवेदन लिया जाएगा राइट। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन बहुत रेयर है। अगर ऑनलाइन लिया जाता है तो और बढ़िया बात है, ऑनलाइन लिया जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऑफलाइन लिया जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वहाँ पे लेके जाना है, और उसके बाद फिर आपका नाम लिख लिया जाएगा, और उसके बाद 1 से 2 हफ्ता के बीच आपके डिटेल्स वहाँ पे चिपका दिए जाएंगे कि भैया ये लोग को बहाली ले ली गई है, इन लोगों को संविदा पे बहाल कर लिया गया है, और उस तरीके से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जो मुझे लगता है जिस तरीके से ये बहाली होगी, क्योंकि दरअसल पूरा खबर अभी भी निकल के बाहर नहीं आया है, मुझ तक भी नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो जहाँ मेरे ख्याल से ये इस तरीके से ही बहाली होगी, क्योंकि हर जिला वाइज जिला होगी ये बहाली राइट। इसमें कोई इंटरव्यू कोई कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, इसमें सिंपली आपको क्या करना है ना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, और उसके बाद क्योंकि ये कोरोना के लिए बहाली है स्पेशली, और ये जल्दी 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 लेनी है इनको। ये जो 24 मई है, पता नहीं मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 24 मई तक जो आवेदन लिए जाएंगे वो MBBS डॉक्टरों के लिए ही लिए जाएंगे। ये जो 2000 जो स्पेशल डॉक्टरों की बहाली जिसमें संविदा के लिए बहाल किए जाएंगे ना डॉक्टर अलग से, देखिए यहाँ क्या पर अलग डॉक्टर बहाल होंगे। सो ये देखिए जो 2632 डॉक्टर हैं वो होंगे सिंपल फिजिशियंस, लेकिन जिला में 1 साल के लिए संविदा पर अलग डॉक्टर बहाल होंगे। तो ये एक अलग अलग जब वर्ड यूज़ हो जाता है तो ये अलग से है राइट, वो जिला वाइज जिला है तो उस तरीके से डॉक्टर होंगे। तो कम से कम आप समझ लीजिए कि एक एरिया में मतलब अगर एक जिला की बात की जाए तो हर प्रखंड में एक डॉक्टर देने की बात है, तो एक डॉक्टर नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा जैसे आयुर्वेद एलोपैथी यूनानी डेंटल इन सबों का एक रेशियो बनाया जाएगा, जिस तरीके से 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर पर 1 होम्योपैथी डॉक्टर और 1 यूनानी और 1 डेंटल, इस तरीके से रेशियो बना के। तो आयुर्वेदिक जितने डॉक्टर वो तो बचेंगे ही नहीं, वो तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उनको पूरा वो पूरे के पूरे बहाल हो जाएंगे। होम्योपैथी डॉक्टर भी नहीं बचेंगे, मैं कंफर्म बोलती हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टर भी बहाल होंगे ही होंगे, किसी भी हाल में पूरे होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, ऐसा कोई नहीं बचेगा जो कहेगा कि मेरी जॉब नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए कि आप सभी की जॉब होने वाली है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि कोई छूट जाए हमारे बिहार में। तो ये इस तरीके से, और यूनानी भी पूरे बहाल होंगे और डेंटल भी। अब जो बचे हुए जो पहले की प्रक्रिया है उसके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मैंने प्रोसेस तो बताया आपको कि इस तरीके से बहाली होगी, ये मुझे आसार लग रहे हैं। अब हो सकता है कि इसमें थोड़े चेंजेस आए, हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो है क्राइसिस का टाइम है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्देश पर जिलों में डॉक्टरों की बहाली हो रही है। ये हमेशा याद रखिए, क्राइसिस की बात आती है ना उस टाइम पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, ओनली आपके सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं बस, और उसके बाद फिर आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, और आपको उस जिला में जहाँ भी जिस भी जिला में आप जा रहे हैं बहाली के लिए उस जिला में उस तरीके से, क्योंकि मुंबई में या दूसरे जगहों पे जितना जगह अभी इस तरीके की बहाली चल रही है ना वो इसी तरीके से चल रही है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स वहाँ पे जाके जमा करना है, और भी ऑनलाइन ही ऑफलाइन,
जमा करने के बाद आप एक गाड़ी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो जिससे आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको दिल करे वहीं जाके जमा कीजिए। जमा करने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, कॉलेक्टर आएगा कि हाँ भाई अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, जिस तरीके से आपको परसेंटेज उस तरीके से वो लिस्ट लगा देंगे कि इस तरीके से बहाली होगी इतने डॉक्टर्स की। अगर मान लीजिए एक ज़िला में चार हॉस्पिटल हैं, राइट, तो इस तरीके से चार हॉस्पिटल, तो चार यानी कि आप समझिए कि आठ आयुर्वेदिक, चार होम्योपैथिक, चार यूनानी, चार यूनानी तो नहीं होंगे, दो यूनानी, एक डेंटल की अगर बात की जाए तो डेंटल का एक होगा, तो इस तरीके से बहाली होगी। तो ये जो बहाली है, या फिर तीन होम्योपैथी, राइट, इस तरीके से होगा बहाली। तो जो भी है ये, तो ये जो बहाली है इस तरीके से चलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर एक हॉस्पिटल, अगर चार हॉस्पिटल है तो इस तरीके से चार तो होना ही है, आयुर्वेद चार, होम्योपैथी भी दिया जाएगा, यूनानी थोड़ा कम कर दिया जाएगा, दो दे दिया जाएगा, इस तरीके से बहाली होगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आपका जॉब तो होना है, सबका जॉब होना है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। डेंटल के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि डेंटल में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में है डॉक्टर्स, और यूनानी होम्योपैथी आयुर्वेदा किसी भी हाल में आप कह लीजिए कि भरे पड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, भरे पड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से सारी बहालियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3000 जो 270 सीट्स जो हैं आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो बाकी थी, जो चलने वाली थी, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस बाकी है, सब मुझसे बार बार पूछते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, जैसा कि आपने देखा। लेकिन उससे पहले एक साल वाला का डॉक्टर, जितने भी एक साल में जो भी ये प्रोसेस है ना, एक साल के लिए बहाली का, ये उससे पहले हो जाएगा, ये मैं कन्फर्म बोलती हूँ। दरअसल 3270 जो है वो इसलिए अटका हुआ है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कोर्ट में ये केस है। तो प्लीज़ जो एक साल के लिए ना, उसको कोर्ट मत लेके जाना, वरना फिर अटक जाएगा मामला। तो ये जो 3270 है उसमें क्या है कि प्रोसेस इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि कोर्ट में केस है, तो फिर उसकी जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, वो आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। ऐसे तो खुद पहल की थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब कोर्ट केस है तो उसको आगे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। तो ये तो था पूरा आज का न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ये थोड़ा लेट लगेगा इससे, लेकिन ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए आइए देखते हैं 4 मई से कौन कौन आवेदन और किस किस तरीके के आवेदन लिए जाते हैं। ज़िला वाइज ज़िला होगा तो वो भी मैं क्लियर आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जितना कर सके आप ज़रूर 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 करें।